एनएक्सी भवन सभागार में महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम सदन की 15वीं बैठक 7 एजेंडा के साथ प्रारंभ हुई। महापौर द्वारा बैठक में उच्च सदन के सदस्य सांसद जयप्रकाश निषाद के सदन में उपस्थित होने पर उन्हें ढेर सारी बधाई देते हुए सभी उपस्थित पार्षदों से परिचय कराया गया और महानगर एवं नगर निगम की तरफ से उन्हें सदन में उपस्थित रहने हेतु शुभकामना एवं बधाई दी गई। साथ ही उनसे अनुरोध किया गया कि महानगर के चतुर्दिक विकास में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सांसद भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इस दौरान नगर निगम के अन्य विकास में कार्य एजेंडा की सूची के अनुसार सदन की 14वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई। वहीं हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही का अनुपालन आख्या पर विचार विमर्श के उपरांत पुष्टि की गई। निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं पथ प्रकाश के कार्यों पर विचार विमर्श हेतु अनेक प्रस्ताव पार्षदगण के प्राप्त हुए, जिस पर कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया। जलकल विभाग के कार्यों पर विचार विमर्श के उपरांत कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। अन्य विषय पर महापौर सीताराम जायसवाल की अनुमति से कई प्रस्ताव रखे गए, जिसमें प्रमुख रूप से नगर निगम गोरखपुर के विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण एवं वसूली के संबंध में कार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम गोरखपुर 20 श्रेणी का शहर है, इसलिए प्रस्तावित अनुज्ञा शुल्क लखनऊ शहर के तर्ज पर प्रस्तावित न करते हुए 20 श्रेणी के अनुसार विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क एवं निर्धारण के हेतु प्रस्तावित उपविधि 20 के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाएगी। जिन क्षेत्रों की निविदा 3 बार विज्ञापन निकालने के बाद भी प्राप्त नहीं होगी, उस क्षेत्र के अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण एवं वसूली हेतु महापौर गोरखपुर द्वारा दरें कम करने हेतु नगर आयुक्त के प्रस्ताव पर विचार कर स्वयं निर्णय लिया जाएगा। तत्पश्चात निर्धारित दर पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इस दौरान सांसद जयप्रकाश निषाद द्वारा महापौर सीताराम जायसवाल को धन्यवाद देते हुए सभी पार्षदों से कहा गया कि हमारे लिए नगर निगम के सभी सदस्य, चाहे वो किसी भी पार्टी से विजयी होकर आए, मैं सभी का सम्मान करता हूं। मुझे जो भी निधि सरकार द्वारा प्राप्त होगी, महानगर का समग्र विकास कार्य कराया जाएगा। अंत में सभी को धन्यवाद देते हुए महापौर द्वारा बैठक समाप्त करने की घोषणा की गई। इस दौरान नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारीगण और पार्षदगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, आप लोग का सहयोग अप्रतिम रहा और आपके सहयोग से ही नगर निगम ने काफी अच्छी कार्रवाई की। बार बार समाचार पत्रों में और अन्य संचार माध्यमों में नगर निगम की तारीफ सभी है और उसके हकदार आप। मुझे पहली बार आप लोगों के बीच में आने का
जो अवसर मिला है यहाँ बैठे हुए हमारे इस नगर निगम के माननीय महापौर, मैं उनको कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद देता हूँ। आज हमारे सामने बैठे हुए सभी माननीय सम्मानित पार्षदगण, हमारे बीच में बैठे हुई हमारी बहनें, माननीय पार्षदगण, मैं सभी को अपनी ओर से आप सबका कोटि-कोटि नमन और प्रणाम करते हुए, अदा और जय करते हुए, मैं सभी का, मैं आप सबका आशीर्वाद लेने आया। आप सबका मैं महसूस करता हूँ इस सदन में मुझे भी जो बैठने का अवसर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुखिया, सरकार के मुख्यमंत्री, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो आशीर्वाद देकर आप लोगों के बीच में भेजा है, निश्चित तौर पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आप लोगों की सुगुवाहट देखिए, सदन में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। पार्टियां बहुत होती हैं, लेकिन भाईचारा बना करके हम लोग एक विकास कार्य में अपना अपना योगदान देते हैं। आपके क्षेत्र की जनता बड़ा आशा और विश्वास के साथ आप सबको चुन करके इस सदन के अंदर भेजती है। निश्चित तौर पर आप उनके सभी के उन मांग को पूरा करने के लिए आप अपना पूरा पूरा योगदान सदन में बैठ करके जो सभापति आपके हैं उनको अपनी बात बताने का काम करते हैं। मैं आशा और विश्वास रखता हूँ सरकार और सभापति और ये सदन नियमों से चलता है, नियमों का पूरा हमें आप सबको पालन करना चाहिए। नियम के तहत जो भी अपनी बातें हैं उसको अपने माननीय सभापति जी द्वारा अपने इस कर्मचारियों अधिकारियों तक पहुँचाने का काम, इस देश की उच्च सदन में पहुँचाने का काम आप द्वारा किया जाता है। आप अपने पूरा विस्तृत हम सबको कोई भी चीज ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो असंवैधानिक, संवैधानिक दायरे में रह करके हम सबको नियमों के तहत अपनी बात उठानी चाहिए। और निश्चित तौर पर हम महसूस करते हैं कि आप लोग पुराने सदस्य हैं, लगभग नगर निगम को इस सदन को चलते हुए हम समझते हैं कि 3 साल पूरा होने जा रहा है। हम इस आशा और विश्वास के साथ जय प्रकाश निषाद जो उच्च सदन का मेंबर बल्कि आप लोगों के बीच में आने का काम किया है, निश्चित तौर पर हमारे भाई पीछे कुछ कह रहे थे, हमें उम्मीद करता हूँ यहाँ जितने अपने माननीय पार्षद बैठे हैं मेरी तरफ से किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, सभी पार्षद अपने हैं और सबके साथ मेरा भाईचारा है और सबके साथ मेरा एक जैसा स्वभाव व्यवहार रहेगा। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर मैं कोई भी मुझसे यहाँ भी आप लोगों के लिए कोई कार्य करने योग्य में रहूंगा, मेरे पास कोई अधिकार होगा तो निश्चित तौर पर आपको यह महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि ये समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं, ये कांग्रेस के पार्षद हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के पार्षद हैं, मेरे अंदर कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। मैं विश्वास रखता हूँ कि मुझे जहाँ तक मेरा अधिकार होगा आपकी बात जरूर हम लोग सुनेंगे। माननीय सभापति के महोदय के आदेशानुसार आप लोगों की बातें हम भी सुन करके जहां तक मेरे की क्षमता होगी उस आपकी बात को वहां तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, आपके सहयोग भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको कोटि से अपना प्रणाम करता हूं, आप सबका आशीर्वाद और दुआ लेता हूं, धन्यवाद। आप सभी लोगों से सिर्फ सदन में ही नहीं बल्कि कार्यालय में भी लगातार हम लोगों की मुलाकातें होती रहती है और आज अभी अवगत है कि ये सदन में ये निर्णय लिया गया था कि 18 लाख पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 18 लाख रुपए के काम जो आप अनुशंसित करेंगे उनको पार्षद वरीयता के तौर पर नगर निगम मिली से कराया जाएगा। इसमें कार्य कराया भी गया है, यदि कहीं टेंडर ना होने की वजह से या अन्य किसी वजह से कार्य नहीं हुआ है।
जो धनराशि तय की गई थी उसमें कुछ काम न हो पाया। इसीलिए इस कार्यकारिणी में जो पिछली कार्यकारिणी हुई उसमें यह तय किया गया माननीय सदस्यगण द्वारा कि हमें ये आश्वस्त करना पड़ेगा काम करने वालों को भी और माननीय पार्षदगण को भी कि जो कार्य अभी आमंत्रित किए जाएंगे वो कार्य शत प्रतिशत कर लिए जाएंगे और उनका भुगतान न्यूनतम संभव समय में कर दिया जाएगा ताकि। और इससे मैंने अपने लेखाधिकारी से अनुरोध किया और उन्होंने मेरा अनुरोध सहज स्वीकार किया है कि ये 5-5 लाख जो फौरी तौर पर क्रास यानी या ऐसी कोई समस्या जिसका तुरंत निदान किया जाना आवश्यक है उनके लिए प्रतिवार सॉरी प्रतिवार नहीं बल्कि प्रति माननीय पार्षदगण 5 लाख रुपए ये अलग से सुरक्षित रख दें ताकि उसका भुगतान तत्काल हो जाए और हम लोग ठेकेदारों को भी कह सकें कि आप उसको टेंडर डालिए तत्काल इसका भुगतान किया जाए। ये हो सकता है कि ये 5 लाख की धनराशि पर्याप्त न हो लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट भी है आर्थिक बंधन भी है वर्तमान समय में जो कि आगे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आप सभी जानते हैं। तो ये एक विशेष अवधि है जिसमें महामारी हम कहेंगे कि विशेष महामारी से प्रभावित अवधि है तो इतना माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर यह तय हुआ है कि मैं आपको अवगत करा रहा हूँ और आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि तत्काल जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र 5 लाख तक के कार्य परिवार के आप कीजिए उसको यथाशीघ्र हम लोग खुला कराएंगे उसका भुगतान भी कराएंगे। 18 लाख की धनराशि पर फिर आता हूँ जिसमें कई माननीय पार्षदगण द्वारा भी कहा गया कि ये गलत नहीं है। यदि 18 मैं आपको इस सदन में ये भी आश्वस्त करता हूँ कि यदि 18 लाख में ये ऐसा होता है कि आपके वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है और हमारे अभिलेख में भी नहीं है तो वो 18 लाख का कार्य कराया जाएगा लेकिन उसके लिए निगम निधि से भुगतान उसी तरह होगा जिस तरह पहले होता था क्योंकि हम ये धनराशि 5 लाख रुपए प्रति माननीय पार्षदगण यानी कि 4 करोड़ रुपए सुरक्षित कर रहे हैं। इससे ज्यादा धनराशि सुरक्षित कर पाना और उसका तत्काल भुगतान करा पाना ये मेरे क्या ही नगर निगम की निधि के लिए संभव नहीं है तो मुझे इतनी बात कहनी थी। अब इसके आगे आपसे अनुरोध है कि 5-5 लाख का तत्काल प्रस्ताव आप दे दें ताकि उसका कार्य शीघ्रता से कराया जा सके। अब पिछली बैठक में अगर किसी माननीय पार्षद को नाली की सफाई मेरे गुस्से में कराई गई थी हो सकता है 10 मीटर हल्का ले रहे हैं।
लखनऊ में आता है उस ए श्रेणी के रेट को यहाँ लगाया जा रहा है जिससे अभी तक कोई बूथ पे वो नहीं हो पा रहा है। और मैं मांग कर रहा हूँ कि बी श्रेणी के हिसाब से मामला है वो आज के डेट में गोरखपुर नगर निगम बी श्रेणी के आता है और जिसपे डेट लगा हुआ है वो लखनऊ को ए श्रेणी में आता है। बस मान लीजिए पूरी बात आपका प्रस्ताव मान लिया गया तीन कामों का इसलिए उसे कैंसिल करा दिया गया।
धमकाया गया अधिकारियों को कि इसका आप ही ने भेजा था। आज हमारे नगर निगम सदन की बैठक थी, इसमें बहुत पूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सभी पार्षदों को अपने अपने क्षेत्र में त्वरित कार्य कराने के लिए 5-5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है सदन ने। अपने क्षेत्र में जो भी नाला है, सड़क है, खराब है, क्षतिग्रस्त है, उसको उससे अपना काम इनके प्रस्ताव पर स्वीकृत किया गया है, ये कराएंगे। अनुज्ञा सुंग की स्वीकृति दी गई है कुछ संशोधनों के साथ, जो कि पहले विज्ञापन शुल्क के नाम से लिया जाता है, सदन ने उसकी स्वीकृति दी है। साथ ही साथ कल मुख्यमंत्री के द्वारा एक गोरखपुर को बहुत ही गिफ्ट दी जा रही है, 155 सड़कों का मुख्यमंत्री जी शिलान्यास गोरखपुर में करेंगे। वहाँ संबंधित पार्षदों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम होगा। साथ ही नगर निगम ने एक काम और अच्छा किया है, हम लोगों ने जिलाधिकारी को लिख करके कुछ ज़मीनों का प्रस्ताव दिया है, वो चयन करेंगे, उसके दाम स्वीकृत करेंगे, उसके बाद नगर निगम उस पर सरकार की स्वीकृति से अपना डंपिंग स्टेशन बनाएगा और कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगा। ये भी हमारे सदन द्वारा स्वीकृत किया गया है। और साथ ही जो पार्षदों ने जो अपना प्रस्ताव दिया है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और जैसे ही धन उपलब्ध होगा, वरीयता के आधार पर अपने पार्षदों द्वारा के स्वीकृत अनुमोदन पर वो कार्य कराया जाएगा। आज सदन की बैठक हमारे एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही, यह आज उच्च सदन के हमारे एक सदस्य या राज्यसभा सदन उच्च सदन होता है, उच्च सदन यहाँ पर आए और सभी पार्षदों ने उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मैं गोरखपुर के विकास के लिए जो भी समस्याएं होगी उसके सदन के बाद उठाऊंगा और अपने धन का कुछ हिस्सा नगर निगम के विकास के लिए दूंगा। इसके बाद उनको भी धन्यवाद हमारे नगर निगम के सभी पार्षदों की तरफ से दिया गया है। इसके बाद मीटिंग को समाप्त करते हैं।